है कि समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है, इसलिए जनता ने भी तय कर लिया है कि 2022 का चुनाव अखिलेश जी बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे। हमारे बीच में समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष धर्म आदरणीय सतपाल सिंह यादव जी मौजूद है, मैं उनसे आह्वान करता हूँ कि वे आए और सभा को संबोधित करें। पंडित महावीर शरण भार्गव जी भी मौजूद है, उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी के आह्वान पर महिलाएं और दूर दराज से आई हुई सभी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जनता के आदरणीय अखिलेश यादव के आह्वान पर आज पूरे प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने धरना और ज्ञापन का आयोजन किया है। जो अराजक नहीं है, चाहे वो बलिया का कांड हो, चाहे हाथरस का कांड हो, हम दूर क्यों जाए, हमारे झांसी का भी एक घरौना कांड जो पॉलिटेक्निक में हुआ है, चाहे बौलानीपुर का कांड हो, पूरे प्रदेश में इसी तरह का अराजक माहौल बना हुआ है। सारे बेखौफ बदमाश एक तरफ, ये भी सरकार कहती है कि हमने बदमाशों का खात्मा कर दिया है, हमने ठोको नीत को लागू किया है। वो कहा उनकी ठोको नीत चली गई। आज हर जिले में बलात्कार, चोरी, लूट और डकैती का माहौल बना हुआ है। जो भी बहन बेटी अपने घर से निकलती है वो कभी ये नहीं, अपने को सुरक्षित महसूस नहीं करती है कि हम घर के वापस लौटेंगे या नहीं लौटेंगे। आज व्यापारियों की हाल बस्तर है, व्यापारियों का हाल चाहे किसानों का हाल हो, ये कहते थे कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हम दोगुनी की बात करते थे। एक जो अध्यादेश लाए हैं, जो काला कानून लाए हैं किसानों के लिए, उससे बड़ा और कोई कानून उनके विरोध में नहीं हो सकता। क्योंकि हमने कहा था कि आप कानून बनाओ लेकिन किसानों की उपज का मूल्य निर्धारित कर दो, इससे कम मूल्य में जो समर्थन मूल्य है उससे कम में कोई भी व्यापारी उस अनाज को नहीं खरीद सकता है। लेकिन ये बेईमानी सरकार चाहे केंद्र में हो और चाहे प्रदेश में हो, इनके ऊपर कोई भी जनता का आवाज नहीं गूंज रही है। ये जनता की आवाज को